वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजस्वनी 123 आर सी एंटरटेनमेंट से। तो गाइज़ मैं हर एक फ़ोन की ट्रिक्स इस चैनल पे आपके सामने शेयर करता रहता हूँ। तो आज मैं एक ऐसा फ़ोन है जो कि आईटेल का कीपैड फ़ोन है, उसकी मेरे पे प्लेट है, इसमें लाइट की प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में बताऊँगा कि इसका आप सलूशन कैसे निकाल सकते हो। तो उससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मैं किसी सेल के भी बारे में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसका नोटिफिकेशन आपको देख पाएंगे। तो तब तक फ़ोन की एक प्लेट है मेरे पास पड़ी हुई, तो उसमें टॉर्च का सॉल्यूशन बताऊंगा कि अगर आईटेल कीपैड फ़ोन में टॉर्च ना चले तो उसका सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हो। तो आप अगर न्यू टॉर्च भी डालोगे तो वो भी नहीं चले तो उसका सॉल्यूशन पूरी तरीके से मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो सिंपली गाइस करना क्या है कि टॉर्च के दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक माइनस होता है और एक प्लस होता है, ठीक है। ये प्लस पॉइंट है और ये है माइनस, ठीक है। तो अगर ये कभी कभी प्लस वाले पॉइंट पर ही प्रॉब्लम आती है, कभी कभी माइनस वाले पार्ट पर भी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके बाद मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो आपने प्लस वाले पॉइंट से जम्पर उठा के जहाँ पे एक ब्लैक टाइप का एक लाइट आईसी है, मैं जो जूम करके आपको बता रहा हूँ, ये वाला एक ब्लैक टाइप का एक आईसी है, आपने जम्पर यहाँ से लेके यहाँ तक लगा देना है। अगर यहाँ पे भी टॉर्च नहीं चले तो आपने नीचे की ओर यहाँ पे लगा देना है। अगर यहाँ पे भी नहीं चलेगी प्लस पॉइंट से तो आपने यहाँ से उठा के आपने यहाँ आगे की ओर लगा देना है। अगर यहाँ पे भी ना चले तो आपने सिंपली क्या करना है, उसके बाद माइनस वाला एक जम्पर उठा के सिम ट्रे के ऊपर भी आप जम्पर लगा सकते हो। माइनस वाला आप कहीं पर भी लगा सकते हो। तो ये थी ट्रिक्स वीडियो में। तो नेक्स्ट और कोई भी फ़ोन की कोई प्रॉब्लम्स होगी तो मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।